बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है बीए पार्ट टू के बच्चों के लिए ईडीएम के हवाले से है। ये ईडीएम जो है बीए पार्ट टू के बच्चों को भी 90% सपोर्ट करते हैं और इंटर पार्ट टू के बच्चों को भी। तो जो बच्चे ईडीएम को कंट्रोल कर रहे हैं वो किसी भी सूरत फेल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर टेक्निक्स होती हैं। तो वही टेक्निक्स हमने देनी है और आपने टेक्निक्स को ही हमसे लेना है। और हम उर्दू में मतलब नहीं दे रहे, वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि फर्ज किया 1000 ईडीएम भी अगर आप याद करते हैं वो नहीं आए तो आप कंफ्यूज हो गए, आप जीरो हो गए। अंदर का मतलब हमने ढूंढना है, अंदर का मतलब पता चल गया तो ईडीएम जो है ना कोई मुश्किल नहीं होता। हाँ, जो बार बार पेपर में आने वाले हैं वो मतलब हम आपको बता लेंगे, बाकी हमने कोशिश करनी है इनके अंदर का मतलब हमें क्लियर हो जाए और फिर फिक्र हमने खुद बनाना है। चूंकि वहां पर एग्जामिनर जो है वो ईडीएम का उर्दू के तर्जमे कोई डिमांड नहीं करता, वो कहता जी ये जो ईडीएम है इसको अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो आगाज करते जी अपने पहले का, बियर होता है बर्दाश्त करना, बियर बर्दाश्त करना, ये सब कुछ का मतलब है। आपका हमें नहीं पता, हमने इसी को लेकर चल रहा है। अब हमें पता चला बियर बर्दाश्त करना, तो बियर अप, तो इसका हम ईडीएम चूंकि ये वर्ब है तो फिर ये पॉजिटिव मतलब दे रहा बर्दाश्त करना। देखें, बहादुर लोग हमेशा बहादुरी से मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। सब्जेक्ट इसमें है बहादुर लोग, ब्रेव पीपल ऑलवेज बियर अप, बहादुर लोग हमेशा बर्दाश्त करते हैं, ये आपका वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? मुश्किलात को, डिफिकल्टीज। ब्रेव पीपल बियर अप डिफिकल्टीज, बहादुर लोग मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं। फिर बहादुरी से ब्रेवली, अगर आप ब्रेवली कहना चाहते हैं तो ठीक है, तो वो भी ठीक है। फिर एक और भी सेंटेंस, हर इंसान को जिंदगी में मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ता है। यूजर हैज टू, हैव टू का एवरी मैन हैज टू बियर अप, हर इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है किसको, डिफिकल्टीज, मुश्किलात को, इन लाइफ, इन लाइफ। तो अब देखें नेक्स्ट, देखें अब ऑन द फॉर्म्स ऑफ डिलेमा। अब आपको डिलेमा का मतलब फर्ज किया नहीं आता, वैसे बैचलर डिलेमा तो कबारे के मिसाल अगर बीए पार्ट टू के जब मॉडर्न ऐसे है बैचलर डिलेमा नहीं आता, मतलब डोंट वरी। इतना हमें पता है हॉर्न कहते हैं सींग, हमने इसी को पकड़ना है, ऑन द हॉर्न सींगों पर होना। तो जो चीज सींगों पर होगी तो खतरे में होगी, जारी बात है, कोई बैल के सींग है या कोई और है, जो चीज सींग, जो चीज सींग पर आ गई तो वो मतलब खतरे में आ गई। तो ये जो ईडीएम है नेगेटिव साइन दे रहा है, जब नेगेटिव साइन दे रहा है तो फिर देखें मतलब खतरे में होना, बुरे लोग हमेशा खतरे में होते हैं। ये देखें, ये पूरा ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, इससे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगाना, आपका फिक्र मुकम्मल हो जाएगा। तो बैड पीपल चूंकि नेगेटिव साइन दे रहा है, बुरे लोग हमेशा मुश्किल में होते हैं, खतरे में होते हैं। बैड पीपल आर ऑलवेज, देखें बैड पीपल लिख लिया, ऑलवेज आर पहले लगाकर आर ऑलवेज, फिर ऑन, ऑन का ऑन छोटा हो जाएगा। बैड पीपल आर ऑलवेज ऑन द ऑन ऑफ डिलेमा, बुरे लोग हमेशा मुश्किल में होते हैं, आपका फिक्र मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, बियर बिलू स्टॉकिंग, ये भी बार बार ईडीएम आ रहा पेपर में। अब भी जो रखने वाली औरत, कोई भी नाम ले रहे, प्रवीण शागर वाज अ बिलू स्टॉकिंग, प्रवीण शागर एक अदबी जोग रखने वाली औरत थी, कोई भी नाम लेके। नहीद इज अ ब्लू स्टॉकिंग, नहीद एक अदबी जोग रखने वाली औरत है। ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट गया, हेल्पिंग वर्ब गया, आपका फिक्र मुकम्मल। नेक्स्ट देखें, अ हार्ड नट टू क्रैक, ये भी पेपर में बार बार आ रहा ईडीएम, देखें ये भी, अ हार्ड नट, मुश्किल नट टू क्रैक, जो क्रैक ना हो रही, यानी कि मतलब क्या, मतलब है मुश्किल काम। अब मुश्किल काम है, इसको हम पूरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो मैंने कहा था कोई भी सादा फिक्र, जिस फिक्र में सादा फिक्र वो उसमें वर्ब नहीं होता, अगर सादा फिक्र में सब्जेक्ट भी ना हो तो उसका सब्जेक्ट होता है हमेशा इट, इट को कहते हैं डमी सब्जेक्ट। जब डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उर्दू में उसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब है मुश्किल काम पूरा। तो मैं कहता हूँ इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम है, इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम है। हर वो फिक्रा जो डमी सब्जेक्ट से शुरू हो तो उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा टू शुरू होता है, नंबर वन पर टू लगाएंगे, टू पर पावर की फर्स्ट फॉर्म और थ्री पर ऑब्जेक्ट। अब देखें उसके जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा, जो वर्ब आ रहा होगा वो उस वर्ब से पहले टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम है, क्या मुश्किल काम है, टू कंट्रोल करप्शन, करप्शन पर काबू पाना मुश्किल काम है। इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई पर काबू पाना मुश्किल काम है, ठीक है क्या। तो नेक्स्ट देखें,
उसके बाद आ गया ब्लू ब्लड, एक होता है बैड ब्लड, बुरा खून। ब्लू ब्लड जो है ना वो अच्छा खून में आता है, मतलब ब्लू ब्लड अच्छे खानदान से तल्लक रखने के हवाले से आता है। ब्लू ब्लड मतलब देखे बिलावल है या ब्लू ब्लड, बिलावल एक अच्छा खानदानी रुतबा रखता है, तो ब्लू है बिलावल है या ब्लू ब्लड। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे फखर है ऑफ माई ब्लू ब्लड, मुझे अपने आला खानदान पर फखर है, आला खानदान से तल्लक होना। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे फखर है माई ब्लू ब्लड, मुझे अपने ब्लू ब्लड पर फखर है। आपका मुकम्मल हुआ फिक्रा। उसके बाद एट डैगर्स ड्रॉन डी ए, ये ए है जी डैगर ड्रॉन दुश्मनी पर, ये भी बार बार आ रहा है। ये देखें ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें भी सादा फिक्र में बनाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे हेल्पिंग वर्क। अब देखें इंडिया और पाकिस्तान दुश्मनी पर है या दुश्मन है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर हेल्पिंग वर्क, आर एट, एट का ए छोटा हो जाएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर ड्रॉन। और इसी तरह ये भी कह सकते हैं मिस्टर नदीम और मिस्टर अहमद दुश्मन है, मिस्टर नदीम एंड मिस्टर अहमद आर एट डैगर ड्रॉन। क्यों? ड्यू टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वजह से। तो इंडिया वाला भी इजी है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर ड्रॉन। और अगर मजीद थोड़ा सा करना है तो फिर कश्मीर की वजह से, ड्यू टू कश्मीर। नेक्स्ट देखें थ्रो टू द डॉग्स, थ्रो होता फेंकना, टू द डॉग कुत्तों की तरह फेंकना, कुत्तों की तरह फेंकना, ये भी नेगेटिव साइन दे रहा है। अब देखें हमें बुरे लोगों को कुत्तों की तरफ फेंकना चाहिए, वी शुड थ्रो। अब थ्रो वर्ब आ गया, वर्ब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? बुरे लोग, वी शुड थ्रो बैड पीपल, फिर आएगा टू द डॉग, ठीक हो गया। हमें बुरे लोगों को कुत्तों की तरफ फेंकना चाहिए, वर्ड टू वर्ड मतलब बनाए और फिक्रा बन जाता है। हमें करप्ट करप्ट सियासतदानों को ठीक है कुत्तों की तरफ फेंकना चाहिए, वी शुड थ्रो करप्ट पीपल टू द डॉग, ठीक हो गया। तो इस तरह आपके ये जो है ना ईडियम पांच करने होते हैं, तो पांच आराम से आपके बन जाते हैं। देखें ये भी अपने अंदर मतलब छुपाए बैठा है, ये भी मतलब छुपाए बैठा है, हार्डनर टू क्रैक में भी हो रहा है, और उसके बाद थ्रो, ये भी थ्रो वाला भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद ब्लू ब्लड एट डैगर, इनमें से पांच कोई भी जो आप इजीली कर सकते, जैसे हम प्रैक्टिस में आएंगे इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा कि आप बगैर मतलब के भी फिक्रा बना सकते हैं, और इसके अंदर से ही आपको मतलब ढूंढना आ जाएगा। तो इंशाल्लाह बाकी हमारी वीडियो देखते जाएं तो इंशाल्लाह गारंटी देंगे ईडीएम आपके पूरे कंट्रोल में आएंगे और नंबर ये पूरे हो जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।